हेलो, वेलकम टू माय चॉइस किचन। सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और आज हम बनाएंगे मदर डे स्पेशल केक, जो कि होगा बिना बेक के बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस। एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो आज हम बनाएंगे जो केक है बिना बेक करे, इसके लिए मैंने लिया है पार्ले जी बिस्किट और पीनट रोस्टेड शुगर पाउडर, बटर और कोको पाउडर। बस इन्हीं इंग्रेडिएंट से हम केक बनाएंगे। तो ये मैंने 10 रुपीज़ वाला लिया है। अगर 5 रुपीज़ वाले हो तो 2 ले लीजिए, और 10 रुपीज़ वाला हो तो 1 ले लीजिए। और इसको हम ऐसे रफली क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए, बिस्किट को मैंने क्रश कर लिया है, और इसके साथ साथ जो हमारे पीनट है इसको भी हमें क्रश करना है। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, इसको क्रश करना है। आप पीनट की जगह कोई और भी ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं, एलमंड्स, काजू, जो भी आप लाइक करें वो ड्राई फ्रूट इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं एक चॉपर में डाल दूंगी और इसको चॉप कर लूंगी। 2 से 3 बार करेंगे तो इसका एक दरदरा सा टेक्सचर हो जाएगा। बस उतना ही हमें चाहिए, हमें इसका बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाना है। चंक्स जो है वो रहने चाहिए। तो ये देखिए, अभी थोड़ा सा मोटा है, इसको एक बार और मैं कर लूंगी। तो ये देखिए, अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है ये हमारी रेसिपी के लिए। तो इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इसी के साथ हम डाल देंगे जो बिस्किट का चूरा था उसके साथ, और इसके साथ साथ हम इसके अंदर डाल देंगे बटर। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम बटर लिया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा कम रह गया है बटर तो और डाल सकते हैं। और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच में शुगर के डाल रही हूँ, क्योंकि बिस्किट भी हमारा मीठा है तो ज़्यादा हम नहीं डालेंगे इसके अंदर शुगर। और साथ ही 2 चम्मच कोको पाउडर के। और बस इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ही टेस्टी केक लगता है और जल्दी भी बन जाता है। तो इस मदर डे पे अपनी मदर के लिए बनाइए ये डिलीशियस सा केक। इसको तो बच्चे भी इजीली बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें गैस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो एक बार इस तरीके से मुट्ठी बांध के देख लीजिए, अगर बन रही है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा बटर और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक मोल्ड लिया है और उसके अंदर ये सारा मैं बैटर डाल दूंगी। फोल्डिंग वाला मोल्ड है ये, और अच्छे से इसको प्रेस करते हुए हम इसको इक्वल कर लेंगे। ये देखिए, सारा मैंने अच्छे से कर लिया है। इसको ठंडा कर लेंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो देखिए, 1 घंटे बाद ही हमारा सेट हो गया है। अब जो अपना मोल्ड है इसको निकाल लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाता है और टेस्टी तो होता ही है खाने में। तो ये देखिए कितना ईजिली निकल गया है, और हमारा केक भी परफेक्ट जम गया है। देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास डार्क चॉकलेट है, इसमें मैं अब 2 चम्मच गरम दूध डालूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हम इसे बिना बेक किए बना रहे हैं। आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दूध डाल दिए, और इसमें अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। तो आपने देखा कितना ये ईजी है बनाना, और वो भी बिना गैस के। ये देखिए, मेल्ट हो गया है अच्छे से। और हमारा चॉकलेट गनाश बनके तैयार है। ये देखिए, अब हम जो हमने केक का बैटर तैयार किया है इस पे हम इसको डाल देंगे और अच्छे से इसको चारों तरफ फैला लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है, और कितनी अच्छी इसके अंदर देखिए शाइनिंग आई है गनाश के अंदर। बस रेडी है हमारा केक। अब आप इसको अपने मनचाहे तरीके से डेकोरेट करिए और सर्व करिए। मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट को ग्रेट करके इस पर लगाया है, और थोड़े से मैंने इसको जैम से डेकोरेट किया है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, वाइट चॉकलेट को मैंने ग्रेट करके इस पर लगा दिया आधे पार्ट में, और आधे पार्ट में मैं जैम्स लगाऊंगी। तो ये देखिए, जैम से भी डेकोरेट कर दिया है। तो रेडी है हमारा बहुत ही टेस्टी केक, जो कि है बिना बेक किए हुए। तो इस रेसिपी को जो ट्राई करके देखिएगा, और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए, मैं कट भी करके दिखाती हूँ आपको कि कितना सॉफ्ट और बढ़िया ये केक बना है। ईजिली कट हो रहा है, देखिए। ये देखिए,
मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा केक बनके तैयार हुआ है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू एंड अगेन सभी को हैप्पी मदर्स डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।